डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज को समझते हैं। जैसे मैं आपको एक फार्मूला प्रूफ करवा रहा हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। मैं आपको एक फार्मूला करवाऊँगा प्रूफ, बाकी फार्मूलाज आप सारे सेम मेथड से आप प्रूफ कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें एंगल B 90 है। अगर मैं एंगल A को थीटा मान लूँ तो एंगल C 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, जब आप अभी इन तीनों का सम करके देख लो वो 180 बनेगा। इफ़ एंगल A इज थीटा तो एंगल C इज 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि जो साइन थीटा है वो किसकी रेशो होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटन्यूज की रेशो होता है, ये आप सभी बच्चों को पता है। तो ये रहा थीटा, तो परपेंडिकुलर कौन सा बन गया BC, हाइपोटन्यूज कौन सा बन गया AC। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब आप क्या करो, 90 माइनस थीटा मीन्स आपने इस एंगल को लेट करना है, तो कॉस 90 माइनस थीटा, अगर ये आपका थीटा है मीन्स 90 माइनस थीटा एक एंगल ही हो गया ना, इसको जैसे मैंने थीटा लिखा इसको आप कोई और एंगल भी मान सकते हो। मानो मैंने फाई लिख लिया, 90 माइनस थीटा को क्या लेट कर लिया, फाई एक सिंबल है, जैसे थीटा एक सिंबल है वैसे फाई एक सिंबल है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कॉस फाई किसके इक्वल होगा। अब जो कॉस होता है सभी बच्चों को पता है कि वो बेस ओवर हाइपोटन्यूज की रेशो होता है, लेकिन अगर आपका फाई यहाँ पे है तो एंगल के सामने तो परपेंडिकुलर होता है, तो हमने तो बेस लिखना है, तो इसका मतलब बेस BC हो गया, हाइपोटन्यूज फिक्स होता है। इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आप नोट करो, इसकी भी राइट हैंड साइड BC/AC है, सेकेंड इक्वेशन की भी राइट हैंड साइड BC/AC है। तो आपके पास साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, कॉस 90 माइनस थीटा। ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको एक फार्मूले का प्रूफ करवा दिया। अब ऐसे और कितने फार्मूलाज हैं हमारे पास, 5 फार्मूलाज और हैं। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 90 माइनस थीटा के। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट 90 माइनस थीटा। और अगर यहाँ पे आप कॉट थीटा लिखोगे वो किसके इक्वल होगा, टेन 90 माइनस थीटा। अगर आप यहाँ पे कोसेकेंड थीटा लिखोगे वो किसके इक्वल होगा, सेकेंड 90 माइनस थीटा। और अगर आप सेकेंड थीटा लिखोगे वो किसके इक्वल होगा, कोसेकेंड 90 माइनस थीटा। तो ये आपके पास फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज को आपने याद रखना है, क्योंकि इन फार्मूलाज के बिना हम एक्सरसाइज 8.3 नहीं कर सकते। तो एक्सरसाइज 8.3 में मैं आपको पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप ध्यान से नोट करो। एक्सरसाइज 8.3 आपकी NCERT बुक में चैप्टर नंबर 10 है, ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो इसमें एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने दो चीज़ें नोट करनी है। एक तो आपने ये देखना है कि जितना एंगल ऊपर पड़ा है और जितना एंगल नीचे पड़ा है उनका सम 90 बनना चाहिए, और वो बन रहा है देखो। दूसरा आपने ये नोट करना है कि उस फार्मूला में जो मैंने आपको अभी फार्मूलाज करवाए थे उसमें साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहा है कॉस साइन में, तो यहाँ पे भी ऊपर नीचे फिर वही होना चाहिए कि अगर ऊपर साइन है तो नीचे कॉस होना चाहिए, अगर ऊपर कॉस है तो नीचे साइन होना चाहिए। अब मुझे आप एक बात बताओ कि अगर मैं साइन 18 को साइन 18 ही लिख लूँ, लेकिन मैं कॉस 18 को, जो कॉस 72 है इसको मैं 90 माइनस 18 लिख सकता हूँ। आप एक चीज़ नोट करो, मतलब मैंने कोई भी चीज़ अभी तक चेंज नहीं की, मैंने साइन 18 को साइन 18 लिख दिया, कॉस 72 को 72 को लिख दिया 90 माइनस 18। अब आपको पता है ऊपर तो साइन 18 ही आएगा और नीचे भी साइन 18 बन जाएगा, आंसर 1 आ गया। क्यों बन गया जी साइन 18, क्योंकि आपने जो फार्मूला यूज़ किया वो यूज़ किया कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये था कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा आपका कितना हो गया अभी 18, तो ये बन गया साइन थीटा, तो साइन 18 आ गया, तो आंसर 1 आ गया। ये फर्स्ट पार्ट था। अगर हम इसका सेकेंड पार्ट देखें, टेन 26 डिग्री ओवर कॉट 64 डिग्री, तो अगर हम इसको नोट करें टेन 26 डिग्री अपॉन, अब जो कॉट है
इसको 64 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 26, ऊपर वाले माइनस होता है क्योंकि उन दोनों का सम कितना है 90 है और tan एंड cot क्या है एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ऊपर तो tan 26 डिग्री ही आएगा और नीचे क्या आएगा cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो ये कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। यहाँ पे फिर रीजन लिख दो कि जो cot 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल है tan थीटा के इक्वल है। तो इस मेथड से हम आगे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें इसका जो थर्ड पार्ट है वो है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अब थोड़ा सा आप खुद सोच सकते हो इसके बारे में कि हम इसको कैसे करें। अब जैसे cos 48 डिग्री को आप ऐसे ही रखो, जो 42 है इसको लिख लो 90 माइनस 48, क्योंकि 90 में से 48 माइनस करोगे 42 ही आएगा, बाकी सारा सेम है। तो cos 48 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री, तो आपका आंसर 0 आ गया। तो आप कहोगे सर आपने यहाँ पे cos 48 क्यों लिख दिया, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, sin 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है cos थीटा के इक्वल होता है। ओके, तो अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है फर्स्ट का वो आप खुद भी कर सकते हो, cosecant 35 secant 59 डिग्री। अब cosecant जो 31 है इसको आप ऐसे ही रखो, जो secant 59 है इसको ऐसे लिख दो 90 माइनस 31, और cosecant 31 माइनस cosecant 31 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने चारों पार्ट्स आपको सॉल्व करवा दिए। अब हम आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 का, इसमें क्या है हमारे पास। इसमें है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे, लेकिन आप पेयरिंग ऐसे करोगे कि एंगल्स का सम 90 बन जाए, जैसे 48 एंड 42 का सम 90, तो tan 48 इंटू tan 42 को एक ब्रैकेट में लिख लो, दूसरी ब्रैकेट में tan 23 इंटू tan 67 को लिख लो। ओके, अब जो tan 48 है इसको ऐसे ही रहने दो, जो tan 42 है 42 को लिख लो 90 माइनस 48, ऐसे tan 23 को ऐसे ही रहने दो, tan 67 को लिख दो 90 माइनस 23, tan 48 इंटू cot 48, tan 23 इंटू cot 23, tan थीटा इंटू cot थीटा की प्रोडक्ट 1 होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि cot 48 को आप क्या लिख सकते हो 1 बाय tan 48, ऐसे tan 23 और cot 23 को आप क्या लिख सकते हो tan 23, ये कैंसिल हो गए सारे, तो आंसर आ गया आपका 1। आपने रीजन कौन कौन से यूज किए यहाँ पे लिख दो, एक तो आपने tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा यूज किया, दूसरा आपने यूज किया कि जो cot थीटा होता है वो 1 बाय tan थीटा होता है, ये आपको पता है। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, यहीं पे करवा देता हूँ। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे आप लिखो tan, ये है आपका cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखो cos 38 डिग्री, अच्छा cos 52 को क्या लिख दो 90 माइनस 38, sin 38, sin 52 को क्या लिख दो 90 माइनस 38, cos 38। ओके, अब इसको आप क्या लिख सकते हो sin 38 माइनस sin 38 इंटू इसको क्या लिख सकते हो cos 38, तो ये आप आंसर आ गया 0, क्योंकि सेम ही बन गया, ये टर्म और इस टर्म में कोई फर्क नहीं है। और रीजन आपने कौन कौन से यूज किए, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका sin थीटा होता है,
और साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, कॉस थीटा। ओके, तो आज हमने फॉर्मूला समझने के साथ साथ एक्सरसाइज 8.3 के फर्स्ट टू क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ओके, थैंक यू।